तो लोकसभा चुनाव हैं और उत्तर मध्य मुंबई की अगर बात करें तो वर्षा गायकवाड़ जी यहां पर कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार हैं और देख सकते हैं विले पार्ला विधानसभा में हम मौजूद हैं और जिस तरह जन समर्थन यहां पर मिलता नजर आ रहा है। कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और जो गठबंधन के पदाधिकारी हैं वो भी बड़ी संख्या में इस जन समर्थन में मौजूद हैं और खास करके महिलाएँ बड़ी संख्या में विले पार्ला में नजर आ रही हैं और जीत यहाँ पर दिखती नजर आ रही है। वर्षा गायकवाड़ जी की क्या कहेंगे? आम आदमी के लिए, हमारे स्लम के लिए और हमारी बातें रखने के लिए कोई तो अपना सा आदमी, मतलब घर की ताई, हमारी अपली ताई वर्षा ताई आई है और जो आपने देखा लोगों का प्यार जो मिल रहा था वर्षा ताई को, ये आने वाले 20 तारीख को भी वैसा ही मिलेगा। जो गर्मी चालू है, जो पसीना आ रहा है, जो गर्मी है आने वाले दिन में, अभी गर्मी है, आने वाले 20 तारीख को वर्षा आएगी और सभी को ठंडा करेगी और वर्षा जोरों से गिरने वाली है, बहुमत मिलने वाला है और वर्षा ताई बहुत गरीबों के लिए और अपने सभी छोटे मोटे व्यापारियों के लिए कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन अपने जोरों से 4 तारीख को आप देखेंगे कि सरकार भारत देश में स्थापन होने जा रही है। 2024 में परिस्थितियां 2024 में परिस्थितियां बदली हैं, मोदी जी गली कूचे मुंबई में घूम रहे हैं और सभा ले रहे हैं, क्या कहेंगे? और लहर फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आप पत्रकार है, आपको पता है कि किस तरह से गली कूचे में उनको आना पड़ रहा है। अगर 10 साल अगर उन्होंने काम करते थे, विकास करते थे, तो आज गली कूचे उनको घूमने नहीं गिरते थे। आज 10 साल उन्होंने सिर्फ धर्म की बात की, विकास की कोई बात नहीं की। जो विकास 70 साल से कांग्रेस ने किया था उसको ख़त्म करने की कोशिश उन्होंने की। 2014 में भारत देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 2,05,00,000 करोड़ का कर्जा उन्होंने किया है, तो इसका ये 205 करोड़ का कर्जा उन्होंने किया है, तो इसका ये समझो कि ये विकास है या भारत देश को किस अलग तरीके से किधर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जनता जान रही है। वो चंदा चोर है। आने वाले दिन में 4 तारीख को आपको देखेंगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। चलते चलते मतदाताओं से क्या अपील करेंगे जो वर्षा गायकवाड़ को उत्तर मध्य मुंबई में जिताने में अहम रोल अदा करें? अपनी बहन है वर्षा ताई गायकवाड़, आप अपनी सभी सो लेके चलने वाली वर्षा ताई गायकवाड़ है और उनके विरोध में जो एडवोकेट विजुअल कदमन है उनको झेड प्लस सिक्योरिटी है। अगर अपना विकास और अपनी बातें रखने के लिए अगर कोई अपना कोई होना चाहिए, अपनी बहन वर्षा ताई गायकवाड़ को आने वाले 20 तारीख को 3 नंबर बटन पे हाथ के पंजे पे बटन दबा के भारी मतों से विजयी करें, ये मैं अपील आपसे अपील करता हूँ। तो बता दे, हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद। तो बता दें कि वर्षा गायकवाड़ की अगर बात करें तो जमीनी नेता हैं, राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखती हैं और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उम्मीदवार जिस तरह उज्जवल निकम को दिया गया है वो एक अधिवक्ता हैं, राजनीति कहीं से कहीं उनकी नज़र नहीं आती। चुनाव हैं लोकसभा के और चलते चलते हम ये कहना चाहेंगे कि चुनाव जरूर करें और अपनी मर्जी का नेता करें। वोट करने से पहले ये समझ लें कि नेता जो वादे कर रहा है क्या वो अपने वादों पर खरा उतरेगा, ये सोच समझकर वोट करें। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए एसटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।